डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। शेजवार है, मुदित शेजवार 2018 में सांची विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। समय बदला, अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुदित की ही सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं और मुदित उन्हीं के लिए फिलहाल प्रचार कर रहे हैं। रायसेन में आज मुदित हैं, एक बड़ी सभा रही। मुदित, क्या कहना, पुराना सारे गिले शिकवा जो है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी सामने थे, वो जमकर एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी उस वक्त हुए थे, सब अब खत्म? नहीं नहीं, ये आप काफी देर से ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा मानना है अच्छे 4-6 महीने पहले ये सवाल पूछा जाता, ये स्थिति तब थी। अब तो हम सब एक हैं और यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, कई आपको बीजेपी के मिले हैं, कई ऐसे मिलेंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। आज यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम एक लक्ष्य के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, वो है शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाना। एक खतरा हमेशा से रहता है जब कभी भी किसी सीट पे ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे बदलाव होते हैं, तो एक भीतरघात का खतरा हमेशा बना सा रहता था। ये माना जाता था कि जिसका जो पहले वहां था नेता, अगर वो हट रहा है, उसके बाद कोई नया नेता आ रहा है, तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरीके से आपने अपने आप के साथ ये समझौता किया और फिलहाल उन्हीं के लिए आप प्रचार कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप खड़े हुए थे? देखिए, मैं इसको समझौता नहीं मानता। मेरी उम्र बहुत कम है, मात्र 35 वर्ष की उम्र है मेरी, और मेरे लिए जीवन पड़ा है राजनीति के लिए। दूसरी बात, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतना इक्विप्ड है कि कहीं भी आपने जो था और ये बात करी ना कि कोई डर हो किसी बात का, हमारा संगठन इतना इक्विप्ड है। हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्देश होता है उसका हम अक्षरशः पालन करते हैं। तो संगठन का निर्देश हुआ, बड़े स्तर पर तय किया गया कि जो 22 लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको टिकट मिलेगा। हम ये सिरोधार्य था हमारे लिए पहले दिन से। दूसरा, जो समन्वय का तरीका है पार्टी में, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। समन्वय की बैठकें हुई, मंडल स्तर पर हुई, जिले स्तर पर हुई, विधानसभा स्तर पर हुई, उनमें कार्यकर्ताओं के बीच में जो सामंजस्य और समन्वय है वो बना। लेकिन उदित, जब यहाँ पे अगर चुनाव होगा, अगर आप नहीं, अगर प्रभुराम चौधरी जीत जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका तो राजनीतिक अब शुरू ही हो रहा था एक तरीके से कैरियर, फिर यहाँ पे आपको नहीं लगता कि क्या होगा, कि मुदित क्या करेंगे यहाँ से अगर कोई और प्रत्याशी जीत जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जिसमें पोटेंशियल होता है उसका हमेशा सम्मान होता है। हम भारतीय जनता पार्टी में, मेरी तीसरी पीढ़ी है परिवार की जो काम कर रही है, हम यहाँ पर विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जनता की सेवा के लिए आए और अपनी विचारधारा के लिए काम करने आए। पार्टी जहाँ उपयुक्त करेगी वहाँ इस्तेमाल करेगी और पार्टी जो पोटेंशियल यहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करती है, हमारा भी होगा। मुदित को अगर पार्टी किसी और विधानसभा सीट से कभी भविष्य में खड़ा करती है तो मुदित उस जिम्मेदारी को कबूलेंगे? अरे, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ भाई साहब। पार्टी जो जैसी छोटी बड़ी जिम्मेदारी देगी, नहीं भी देगी, तो भी पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे जीवन भर। अच्छा, आपने कहा है संगठन ने पहले से ही आप लोगों को ये कह दिया गया था कि जो उन्हें टिकट मिल देना जरूरी है। गौरीशंकर शेजवार जी की बात करें, हम पूरे इसमें प्रचार में घूम रहे हैं, गौरीशंकर जी बहुत कम जा रहे हैं, क्या वो नाराज हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं, कहीं नाराजगी की कोई बात नहीं। आज भी वो कार्यक्रम में थे। जितना पार्टी हमें जिम्मेदारी दे रही है उतनी जिम्मेदारी हम पूरी करें। जो जो पार्टी ने हमें काम दिया, पिताजी को भी जो जो काम दिया वो सब हमने किया। बाकी पार्टी जितना घुमाना चाहती है उतना घुमाएगी, उनकी उम्र भी है। वो उन्होंने एक तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लिया था, तो अपनी उम्र के हिसाब से जितना जा सकते हैं वो जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो रणनीति रही थी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के तमाम लोग आए, भाजपा का अपना कैडर भी तो है ना उन सीटों पे, अगर आप, चलिए आप इतने समझदार हैं, आप ये बात मान लेते हैं कि जो बाहर से आए हैं उन्हें हम सीट देंगे, बाकी की बाकी चीजें क्या हर कोई इस माइंडसेट का होता है? वो तो नहीं होता, हर आदमी की अपनी अपनी अलग विचार होते हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टी का अपना जो कैडर है वो खत्म नहीं हो जाएगा ऐसे अगर बाहर के ही नेता, अभी एक और दमों से भी यही हुआ है? ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये जितने लोग आए हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में जमेंगे, यहाँ इनके प्रशिक्षण होंगे, वर्ग होंगे और पार्टी के साथ काम करते ये जम गए कि नहीं, प्रभुराम चौधरी जमेगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए परिस्थिति देखिए, पूरी पार्टी एक सिरे से जितने हमारे लोग हैं सब उनके साथ हैं। आज आपको जो इतनी बड़ी सभा है उसके रूप में आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रभुराम चौधरी भाजपा के रंग में रंगे कि नहीं? बिल्कुल रंग गए, बिल्कुल रंग गए। बहुत उनसे बात करने के लिए मुदित, और बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। मुदित शेजवार भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही में पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं इसी विधानसभा सीट से भाजपा के, अब समर्थन में हैं उसी नेता के, उसी के लिए प्रचार कर रहे हैं जिनसे इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त पाई थी। मुदित ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर जो है फिलहाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सांची विधानसभा सीट से, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उनके साथ खड़ी है उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए। कैमरामैन निशात खान के साथ रवीश पाल सिंह, सांची। We'll be right back.
डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।